क्लासिफिकेशन होती है और एक रिग्रेशन होता है क्लासिफिकेशन मैंने समझा दिया था इस लेक्चर में हम लीनियर रिग्रेशन देखेंगे बहुत सारे बच्चों को आता होगा जिन जो मैथ्स जिनको पसंद के ये लेक्चर आता होगा मोस्ट प्रोबेबली ठीक है अब हम देख लेते हैं हमारा लेक्चर है क्या इस लेक्चर को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए जो न्यू न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी उनको थोड़ा सा मैं और व्यू देती दे दे हूँ सुपरवाइज मशीन लर्निंग का जिनको पता होना चाहिए कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होती है और उसके अंदर क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन क्या होता है ट रिपेक्टिव टारगेट वैल्यूज ऑलरेडी अच्छा क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन आप आपके पास एक डाटा सेट होता है डाटा सेट के अंदर आपके पास डाटा होता है लाइट रोज में डाटा होता है ठीक है रोज में इन कॉलम्स में आपके पास डाटा एंटर हुआ होता है लेट सपोज तीन स्टूडेंट्स हैं फरवा सारा एंड अली ठीक या जॉन सारा या आप कह लो रॉबर्ट ओके तो ये तीन स्टूडेंट्स हैं आपके पास और इन तीन स्टूडेंट का आपको एक उसको एक तीनों स्टूडेंट को टारगेट वैल्यू देनी है कि आपने कौन सी कॉलम में इस तीनों वैल्यूज को एंटर करना है तो कॉलम नेम क्या हो जाएगा नेम नेम वाले पोर्शन में नेम वाले कॉलम में आप इसको सारा अली और फरवा को इंटर कर देन अगर मैं उनके रोल नंबर इंटर करवा रही हूँ सेवेंटी फोर्टी थर्टी देन वो रोल अब वो किधर आपने इंटर करने रोल नंबर वाले कॉलम के अंदर उनके मार्क्स आपने कितने करने हैं मार्क्स वाले कॉलम के अंदर जीपीए सी जीपीए उनकी एड्रेस उनका फोन नंबर उनका वो कौन से डिग्री कर रहे हैं ए टी सी उनके कहा उनके जो कॉलम नेम होगा उसके अंदर फीड होंगे ठीक है तो वो जो कॉलम नेम है वो क्या रिस्पेक्टिव टारगेट वैल्यू है value, वो उसका क्या मतलब है कि जो आप जो टेबल बना रहे हो वो लेबल्ड डाटा सेट है आपका डाटा सेट लेबल्ड है उस बुक जो हो जो भी डाटा आप डाल रहे हो उसके ऊपर कोई एक एट्रीब्यूट आपकी फील्ड है ठीक है जिस फील्ड के अंदर

लेक्चर नंबर थ्री से मैं इसको समझा रही हूँ क्लासिफिकेशन की एग्जांपल आई थी डिग्रेशन में मैंने समझाया कि क्लासिफिकेशन क्या है कि आपके पास ये क्या करता है प्रिडिक्ट करता है आपके इंडिपेंडेंट इनपुट वेरिएबल से ठीक है प्रिडिक्ट करता है क्लास को फिर डेटा सेट बेस्ड होना इनपुट डेटा इनपुट वेरिएबल आपके मतलब इनपुट वेरिएबल आपके पास होगा तो ये आपको आपकी प्रिडिक्ट करके देगा क्लास ठीक है क्या let's suppose, अब आपने और ये आपके क्लासिफिकेशन होती, कि इस पे है? डिस्क्रीट पे। डिस्क्रीट क्या होती है डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो ठीक है जिनकी आप देखने से आपको पता चल स्कैटर हो स्केटर डॉट्स अगर हैं तो वो डिफरेंट 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 हो ठीक है लाइक अलग अलग

इट प्र्यूअस आउटपुट वेरिएबल बेस्ड ऑन द इंड इंडिपेंडेंट आउट इनपुट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट इनपुट वेरिएबल के ऊपर ही आपको कंटिन्यूस आउटपुट वेरिएबल्स निकाल के देता है क्या रिग्रेशन लाइक द प्रोडिक्शन ऑफ हाउस प्राइस ठीक है आपकी हाउस प्राइस लाइट आपने हाउस की पिक्चर दे दी है और अब वो क्या कर रहा है उसकी प्राइस प्रिडिक्ट करके दे रहे हैं अपने चार्ट में जाएगा प्रिडिक्ट करेगा की कि क्या किस तरह कल कलेक्शन होंगी और हमारा क्राफ्ट इधर प्लॉट होगा और इसकी प्राइस कहां तक जाएगी तो ये चीजें किसके थ्रू होती है रिग्रेशन के थ्रू होती है लाइक पैरामीटर्स ऑफ हाउस एरिया मैप करके हर चीज देखे मैपे कि एरिया कैसा है कच्ची तो नहीं है सही मतलब बन गई है डेवलप एरिया है जहां पे घर बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसका क्या करके देगा एक प्राइस निकाल के देगा उस हाउस की तो ये चीज किससे किसके थ्रू हो रही है रिग्रेशन के थ्रू हो रही है ठीक है अच्छा लीनियर रिग्रेशन क्या होता है ना हम बात करें मेन टॉपिक की लीनियर मशीन लर्निंग एलगोर इमर्स

अपटू माइज लीनियर फंशन विच कैन बी यूज फॉर प्रोडिक्शन और ये क्या करता है उन पॉइंट्स को जो आपके डाटा सेट के पॉइंट्स होते हैं उनको मैपिंग करता है उसकी मैपिंग करता है linear, linear line को करके आप उसको मैपे ड्रॉ करते हो और देखते हो कि आप लीनियर लाइन line आपकी बन रही है आपका डाटा सेट से एक नया आपको वैल्यू प्रोडक्ट हो रही है न्यू डाटा सेट आपका प्रोडिक्ट हो रहा है वेल एंड गुड ठीक है मेन मकसद ये होता है

और कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है जो एक बेस्ट लीनियर इक्वेशन दैट कैन अब आपने लीनियर रिग्लेन में आपको कोई वैल्यू नहीं फाइंड करनी होती आपको इक्वेशन बेस्ट इक्वेशन फाइंड करनी होती जिसपे आपका आंसर कर रहा करना जिसके थ्रू आप अपने प्रोडिक्शन कर सकते हो अपने आंसर निकाल सकते हो ठीक तो गोल हमारे लीनियर रिग्रेशन का होता है क्या है कि आपको बेस्ट लीनियर इक्वेशन प्रेडिक्ट करनी होती है दैट कैन प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट वैल्यूज वेरिएबल्स ठीक कि आपने एक ऐसी इक्वेशन प्रेडिक्ट करनी है निकालनी है जो कि जिससे क्या करें आप इंडिपेंडेंट वैल्यूज डालो दैट सपोज मैंने इंडिपेंडेंट वैल्यूज डाली है 1 2 3 4 जो कि किसी पे डिपेंड नहीं कर रही थी एक्स की वैल्यूज और अब मैं वाई की वैल्यूज निकाल रही हूँ जो कि डिपेंडेंट है

और एक्स मेरे पास क्या हुआ इंडिपेंडेंट तो ये वही बात हो रही है कि आपके पास एक ऐसी इक्वेशन आनी चाहिए जिसके अंदर क्या हो कि आप जिसके थ्रू आप क्या कर सको अपने डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर सको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डाल के ठीक है द प्रोवाइड्स अ स्ट्रेट लाइन दैट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोबारा से वही बात आ गई ठीक है जो इक्वेशन है वो क्या आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान का आपको रिलेशनशिप बता रही होती है इक्वेशन द स्लोप ऑफ द लाइन इंडिकेट्स हाउ मच द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस फॉर अ यूनिट चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और जो स्लोप है वो आपकी वो आपको क्या बता रही होती है कि आपके जो वेरिएबल हैं वो कितना चेंज हो रहे हैं फॉर यूनिट चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के यूनिट चेंज से कितना कितना डिफर कर रहे हैं कितना चेंज हो रहे हैं लेट्स सपोज देखो आपकी ये डिपेंडेंट लाइन है और सबको पता है कि ये लाइन कौन सी होती है y एंड देन दिस इज x x वाला जो है वो इंडिपेंडेंट है एंड दिस लाइन इज डिपेंडेंट ऑन x साइड से बात है जब x का प्लॉट होगा लेट्स सपोज यहां से प्लॉट आना स्टार्ट हुआ ये 1 था ठीक है तो यहां से जब 1 के ऊपर मैंने अपना x को प्लॉट किया देन 2 के ऊपर मैंने अपना x को दोबारा प्लॉट y को प्लॉट किया देन थ्री एक्स के ऊपर मैंने y को प्लॉट किया जब ये x की वैल्यूज नहीं होंगी तो मैं y को किधर प्लॉट करूंगी ठीक है लेट सपोज यहाँ पे बन रहा है मेरा ठीक ठीक तो मैंने मैंने देखा 3, मैंने वाई को 3. Something, तो मैंने देखा देखा को करना अच्छा है और वाई कितना होना चाहिए वन होना चाहिए मैंने यहाँ पे जाकर इसको प्लॉट कर दिया लेट सपोज मेरे पास सिर्फ वाई की वैल्यूज है एक्स ही नहीं है तो मैं इसको प्लॉट नहीं कर पाऊंगी ठीक है तो बीच में रिलेशनशिप है आप लोगों ने अच्छे से समझ लेना लीनियर रिलेशन इज यूज इन मेनी डिफरेंट फील्ड्स including finance, economics and psychology to understand and predict the behavior of a particular variable. For example, in finance linear regression might be used to understand the relationship between a company's stock price and its earning its earning or it, to predict the future value of currency based on its best past performance. A examples of course are that linear regression basically both includes जो फाइनेंस में इकोनॉमिक्स में साइकोलॉजी में लिनियर रिग्रेशन को यूज किया जा रहा है ठीक है लोगों के लिए भी यूज करते हैं लीनियर रिग्रेशन को उनकी मैंटेलिटी देखने के लिए उनका देखने के लिए कि उनको कैसे ठीक किया जा सकता है किस तरह से वो बेटर होंगे उनका चार्ट बनाया जाता है प्रॉपर्टी से ठीक तो अब आप इसमें क्या है कि आप

एन स्मॉल एन देखो अब आपको यहाँ पे स्मॉल एन फॉर्मूले में नजर आएगा तो एन आपके पास क्या होता है नंबर ऑफ रोज इन द डेटा सेट तो रोज हमारे पास कितनी है फोर है इट्स मीन एन इज इक्वल टू फोर ठीक अब हम आप क्या करते हैं हमने फाइंड करना तो आपकी बन जाती है ठीक है तो उस इक्वेशन के थ्रू जब आप एक्स की वैल्यू पुट करते जाओगे y की वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपका प्लॉट जनरेट होता जाएगा ठीक है लेट अगर मैं पीछे जाती हूँ यहाँ पे बस इक्वेशन आ जाती है इक्वेशन मुझे बताती है कि मेरी लाइन

हमने क्या किया एक्स की वैल्यूज की values ली इन दोनों का ले लिया मतलब हमने इस equation में हमने क्या किया एक्स uh, स्क् और एक्स वाई कभी एक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली क्यों क्योंकि बी का फॉर्मूला हमारे पास होता है फर्स्ट वी b बी का हमारे पास फॉर्मूला है एन समीशन एक्स वाई मतलब एक्स और वाई का हमें मल्टीपल दोनों का चाहिए कॉलम ऐसे चाहिए जिसमें हमें एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके रखना है ठीक है वो दोनों मैंने लिए उन दोनों का क्या चाहिए समीशन भी चाहिए मतलब जो पूरा कॉलम होगा उसको मैंने सम करके कर उसका आंसर लिखना है माइनस समीशन एक्स मतलब जो एक्स का टेबल है जो ये वाला है इसका आंसर वाई का आंसर डिवाइडेड बाई एन समीशन एक्स का स्केयर मतलब अब ये देखो समीशन एक्स का स्केयर ये नहीं कह रहे कि एक्स वाले कॉलम जो है उसका स्केयर नहीं ये कह रहे हैं एक्स के स्क्वेयर का जो एक कॉलम होगा उसका समीशन लिखो मतलब मुझे अब एक्स के कॉलम एक्स स्केयर का कॉलम बनाना है और उसका समीशन लिखना है माइनस एक्स का स्केयर ठीक है अब ये क्वेश्चन समझना एटलीस्ट इस लेवल पे सबको आती ही होगी आई होप सो so, ठीक है के अगर ब्रैकेट बाहर स्क्वायर लिखा है तो उसका क्या मतलब होता है ब्रैकेट के अंदर अगर ब्रैकेट नहीं है और स्क्वायर लिखा है तो उसका क्या मतलब होता है ठीक अब इस तरीके से हमने ग्राफ अपना टेबल प्लॉट कर लिया एक्स वाई का मैंने कॉलम बनाया एक्स को वाई का बनाया और एस स्क्वायर का बनाया ठीक है जो जो मेरे पास रिक्वायरमेंट्स थी मैंने उनके बनाया एक्स वाई एक्स स्क् और एक्स वाई एक्स लिखा वाई लिखा है एक्स स्क् मतलब मैंने एक्स को टू का फोर हो गया सब का ले लिया. मैंने को एक, एक मल्टीप्लाई करके आ तो गया वन फोर्टी फोर देन अब इन वैल्यूज को हम एक एक करके अपने फॉर्मुलाज में पुट करेंगे जैसे कि बी का फॉर्मुले में देखो एन की वैल्यू क्या थी नंबर ऑफ रोज इन द डेटा सेट तो नंबर ऑफ रोज कितनी फोर मैंने फोर पुट की तो मेरा ये एरो

X, मतलब जो कॉलम है समीशन एक्स वाले का उसका होल्स कर लो मतलब 20 का इसका आ A. जैसे हमने B हम A थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है वो क्या है y, मतलब y, जो कॉलम है उसका submission 25. Submission X का जो कॉलम है उसका वन ट्वेंटी माइनस एक्समी एक्स वाई ट्वेंटी ट्वेंटी और नीचे वाली इक्वेशन वही सेम है इसका आंसर आ गया आज तक का लेक्चर जिसमे हमने पढ़ा क्या लीनियर इक्वेशन क्या होता है पहले हमने पढ़ा सुपरवाइज लर्निंग मशीन लर्निंग क्या होती है उसके अंदर उसकी सब कैटेगरीज क्या होती है थोड़ा सा डिस्कस किया द लीनियर रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन किस तरह से काम करता है उसके गोल्स क्या होते हैं अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक माय वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल हिट द बेल आइकन इन द ब्लो सेक्शन ऑफ माय वीडियो एंड थैंक यू सो मच